YouTube वीडियो शूट करना चाहते हो तो कौन सा माइक यूज़ करें? एक ये ऐसा माइक भी आता है, क्या नाम है, सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, सो पूरा वीडियो देख लेना। या फिर एक नॉर्मल लेपल माइक या फिर माइक ही ना यूज़ करें, तो टेस्ट करके बताऊँगा। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हो ये पर्टिकुलर लेपल माइक का है, बोया का है, ये भी बोया का माइक है, इसमें रोड का भी आता है, थोड़ा महंगा है, ये सस्ता है, ये आई थिंक 1500 के आसपास आ जाता है और इसका प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक्स तो दी है अगर आपको बाय करना है तो। तो साउंड टेस्टिंग आपने देख ली है विद माइक अटैच्ड टू अ मोबाइल फ़ोन, ये नॉर्मल मोबाइल फ़ोन को अटैच किया हुआ है, तो अभी देखते हैं कि विदाउट माइक कैसा साउंड आता है। अभी ऑडियो सुन लो कैसा है, बिकॉज मैंने माइक तो निकाल दिया है लेपल माइक, एंड आपको वो जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा होगा कि एक अच्छा माइक होने से या फिर एक नॉर्मल माइक होने से भी कितना डिफरेंस आता है एंड विदाउट माइक। अगर आप एक ऐसे जगह पे बैठे हो जहाँ पे बहुत शांति है तो डजंट मैटर कि माइक है या नहीं है, लेकिन हाँ माइक होना हमेशा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जितना आपके माउथ के पास है या फिर आपके नज़दीक जितना है उतना क्लैरिटी रहेगी ऑडियो की, नहीं तो आपको कुछ टूल्स यूज़ करके वो सब नॉइज रिमूवल करना होगा। अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर माइक की, इसका क्या यूज़ है और इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। आप अभी ये पर्टिकुलर माइक मोबाइल को कनेक्टेड है, ये ऐसा सेटअप रेडीमेड नहीं आता है, सो ये होल्डर अलग है, ये माइक अलग है, इसका जो स्टैंड है माइक के साथ आता है और ये ट्राइपॉड अलग है, ये जो छोटा ट्राइपॉड आप देख पा रहे हो ये अलग है। तो अभी जब मैं माइक मेरे सामने है तब आप देख पाओगे कि ऑडियो बहुत क्लियर है, लेकिन अगर मैं माइक ये ऐसा कर दूंगा तो ऑडियो क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑडियो जो आता है उसको कलेक्ट करता है। इसके ऊपर एक डेड कैट भी आता है, अगर आप बाहर जाते हो व्लॉगिंग कर रहे हो कहीं पे, पहाड़ पे चले गए या फिर ट्रैफिक में हो, तो वो डेड कैट आप यूज़ कर सकते हो, एंड डेड कैट यूज़ करने के बाद जो आसपास की वो जो विंड नॉइज़ है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका फीडबैक मुझे बता देना कैसा है। दिस इज़ द माइक, फिर से बता देता हूँ कि ये माइक का जो सेटअप है ये पूरा मैंने बनाया हुआ है सो दैट मैं यहाँ पे स्मार्टफोन को अटैच कर पाऊँ। आप देख सकते हो इसकी केबल बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी केबल आती है, सो ये मोस्टली व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये है डिफरेंस दोनों माइक्स में, एंड अगर आप YouTube का करियर स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये दोनों में से कोई भी माइक यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका एप्लीकेशन क्या है, एंड अगर आपको ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दी है। अगर मैं बात करूँ मेरी खुद की पर्सनल बेस्ट की, तो वो है लेपल माइक, जो कि बेस्ट भी है, एक लॉन्ग वायर आती है, आराम से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू लेना है या फिर इन जनरल खुद का ही वीडियो शूट करना है, बाहर भी शूट करना है तो यूज़ कर सकते हो। हाँ, ज़्यादा भाग दौड़ होगी तो ये वाला माइक आप यूज़ कर पाओगे, ये बेटर है। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, ये बिगिनर्स के लिए गाइड थी, इससे महंगे माइक्स आते हैं लेकिन डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो ये दो माइक से काम चल जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।